हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप आप सब घर पर होंगे और सेफ होंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम तीन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है एफएम रिसीवर, देन नॉइस इन एफएम, नॉइस इन एएम। इतना करने से हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं, हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एफएम रिसीवर, राइट? सो रिसीवर मीन्स ट्रांसमीटर से जो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है वो थ्रू चैनल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। वो डेस्टिनेशन है, उसको हम रिसीवर बोलेंगे। तो रिसीवर पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मींस डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी रिसीवर पर, राइट? सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रिसीवर। हम एफएम ट्रांसमीटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। सो रिसीवर पर सबसे पहला एलिमेंट होगा एंटेना, जिसके थ्रू जो ट्रांसमीटर ने सिग्नल रेडिएट किया था फ्री स्पेस में, उस सिग्नल को हम रिसीव करेंगे। ये सिग्नल है आरएफ, राइट? सो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस आरएफ सिग्नल इनटू आईएफ। इसके लिए वी आर यूजिंग अ मिक्सर एंड अ लोकल ऑसिलेटर। सबसे पहले तो सिग्नल इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है तो ऑलरेडी एटेन्यूएटेड हो चुका है, मींस कुछ लॉसेस हैं। सो इस एटेन्यूएशन को ओवरकम करने के लिए वी हैव टू एम्पलीफाई दिस सर्किट फर्स्ट, दिस सिग्नल फर्स्ट। इसके लिए सिंस आरएफ सिग्नल है तो हमने यूज किया है आरएफ एम्पलीफायर। एम्पलीफिकेशन के बाद में हमने कन्वर्जन के लिए मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर यूज किया है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर, वी आर कन्वर्टिंग आरएफ सिग्नल इनटू आईएफ। ये हमने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। आरएफ से आईएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिक्सर इन दोनों सिग्नल्स का सम एंड डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, यही हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। आईएफ मीन्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, हर एक चैनल के लिए ये फिक्स होती है। तो एक फिक्स्ड आईएफ मिल गया हमको। इस सिग्नल को पहले हमने एक बार फिर से एम्पलीफाई कर लिया है विद द हेल्प ऑफ आईएफ एम्पलीफायर। देन जैसे अपन करते हैं रेगुलेटर में, जैसे फ्लक्चुएशंस हमको नहीं चाहिए ना घर में अप्लायंसेस के लिए, तो इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करने के लिए या अपने अप्लायंस को सेफ मोड में रखने के लिए हम रेगुलेटर यूज करते हैं। तो सेम फंक्शन इज परफॉर्म बाय दिस नेक्स्ट सर्किट विच इज कॉल्ड अ लिमिटर। लिमिटर, यहां से जो आईएफ मिला है इट शुड बी कॉन्स्टेंट, बट इसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आकर होते हैं, तो लिमिटर इन फ्लक्चुएशंस को अवॉइड करता है और एक कांस्टेंट सिग्नल आउटपुट में प्रोड्यूस करता है। ये जो कांस्टेंट आईएफ है इट इज देन अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ एफएम डिटेक्टर। अब तो समझ में आता होगा, डिटेक्टर मींस जो यहां से जो सिग्नल आ रहा है वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल विच कंसिस्ट ऑफ अ कैरियर एंड अ बेसबैंड सिग्नल, तो इन दोनों, इससे कंप्लीट जो पैकेज है इससे सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हमें वही चाहिए, रिक्वायर्ड है। तो डिटेक्टर इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल से बेस बैंड सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। ये डिटेक्टेड जो बेस बैंड हमारा सिग्नल मिला है उसको अब हम अप्लाई कर रहे हैं डी एम्फेसिस सर्किट से। डी एम्फेसिस सर्किट आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ा सा बता देते हैं, ट्रांसमीटर पर हमने एक ब्लॉक यूज किया था विच वॉज प्री एम्फेसिस। प्री एम्फेसिस सिग्नल को बूस्ट कर रहा था, राइट? उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा था जहां भी सिग्नल वीक था। यहां डीएम्फेसिस उसका रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। डीएम्फेसिस जितना हमने बूस्ट किया था उसको वापस उसके ओरिजिनल लेवल पर लेकर आता है। उसके बाद में हमने एएफ एम्पलीफायर, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, ये जो हमने डिटेक्ट कर लिया है सिग्नल, अब वो आरएफ आईएफ नहीं है, ये क्या है, हमारा जो बेसबैंड सिग्नल है वो हमारा लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल होता है, एएफ जिसको हम बोलेंगे। तो ये हमारा एएफ मिला, इसलिए हमने उसको एम्पलीफाई करने के लिए वी आर यूजिंग एएफ एम्पलीफायर। एएफ मींस ऑडियो फ्रीक्वेंसी, राइट? अब इस ऑडियो सिग्नल को हमने स्पीकर में अप्लाई कर दिया तो हमको यहां से साउंड मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा सर्किट और या ब्लॉक डायग्राम ऑफ एफएम रिसीवर। क्लियर? नाउ ये मैंने आपको बता दिया लिमिटर जो एक रेगुलेटर के जैसे वर्क करता है, एंड डीएम्फेसिस के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं लिमिटर सर्किट कैसे काम करता है। लिमिटर बिल्कुल रेगुलेटर जैसे ही समझ लीजिए। सो इट कंसिस्ट ऑफ दिस एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आप देख सकते हैं यहां पर, ये इसका गेट टर्मिनल है, दिस इज द सोर्स टर्मिनल एंड दिस इज द ड्रेन टर्मिनल, राइट? गेट पर कैपेसिटर कनेक्टेड है एंड यहां से हमने ये ट्रांसफार्मर यूज किया है और इसकी प्राइमरी पर हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या है, देखिए यहां से लिमिटर का इनपुट है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसमें कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, इन्हीं फ्लक्चुएशंस को हमें अवॉइड करना है। तो यहां से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमने इनपुट में दिया, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में अपियर होगा। देन कैपेसिटर, कैपेसिटर की पोलैरिटी देखिए यहां पर, ये पॉजिटिव है
अगर मतलब जिस इनपुट सिग्नल के पोलैरिटी पर डिपेंड करेगा, तो सपोज किसी इंस्टेंट पर सेकेंडरी वाइंडिंग का अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है, तो ऑब्वियसली कैपेसिटर जो चार्ज होगा इसका ये फर्स्ट टर्मिनल भी पॉजिटिव हुआ और सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। जेएफईटी में देख सकते हैं गेट का ये जो एरो है, इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इट इज एन एन चैनल जेएफईटी, राइट। तो एन है मीन्स गेट हुआ पी टाइप का, तो पी के लिए बायसिंग कौन सा मिला, नेगेटिव, मतलब रिवर्स बायस्ड हुआ, राइट। सो गेट यहाँ रिवर्स बायस है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, फॉरवर्ड भी हो सकता है बट अभी हम जो कंसीडर केस ले रहे हैं उसमें रिवर्स बायस्ड है। देन यहां से सिग्नल जेएफईटी में आएगा, जेएफईटी अपनी बायसिंग के अकॉर्डिंगली आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, फिर आउटपुट फिर हम यहाँ ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पर ऑब्टेन कर रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ दिस टर्मिनल, राइट। आउटपुट मतलब ड्रेन से हम ले रहे हैं आउटपुट, ओके। तो अब देखिए सपोज किसी इंस्टेंट पर इनपुट सिग्नल अपना डिजायर्ड वैल्यू से इंक्रीज हुआ, राइट, जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिक्स वैल्यू है उससे ज्यादा बढ़ गया फ्लक्चुएशन की वजह से, तो क्या होगा, कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हुआ, इससे गेट हो रहा है इसका रिवर्स बायस्ड, मतलब कि ये रिवर्स बायस मीन्स इसका जो हमने पढ़ा है इसकी वर्किंग उसके अकॉर्डिंगली इसकी डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो रही है एंड चैनल की विड्थ रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो इनपुट इंक्रीज होने से आउटपुट डिक्रीज हो गया, क्लियर। ये हुआ फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सपोज इनपुट किस ड्यू टू एनी रीजन अपने डिजायर्ड वैल्यू से डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो भी डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज होने से इसका रिवर्स बायसिंग डिक्रीज हुआ, मतलब ये ऑलमोस्ट फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है इट मीन्स आउटपुट इंक्रीज होगा, क्लियर। तो हर केस में ये क्या कर रहा है, आउटपुट को सेट कर रहा है। अगर इनपुट डिजायर्ड वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है तो उसको इसकी वर्किंग की वजह से वापस डिक्रीज हो जाएगा डिजायर्ड वैल्यू पर, और आउटपुट रिड्यूस होता है तो उसको इंक्रीज कर देगा, तो इस तरह से आउटपुट जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये होता है लिमिटर का काम। तो इतना समझ में आया होगा, बिल्कुल सिमिलर टू रेगुलेटर ही है, ओके। सो ये थोड़ा सा हमने ब्लॉक डायग्राम देखा एफएम रिसीवर का, प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। देन नेक्स्ट स्टार्ट करना है हमको नॉइस, नॉइस इन एएम एंड नॉइस इन एफएम। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं नॉइस के बारे में। नॉइस कहाँ इंट्रोड्यूस होती है, नॉइस मेनली चैनल में ही आती है। ट्रांसमीटर से सिग्नल हमने मॉड्यूलेट कर लिया और एंटेना से ट्रांसमिट किया, देन एंटेना के बाद में चैनल के थ्रू, चैनल जिस भी टाइप का होगा उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल ट्रैवल करता हुआ रिसीवर तक पहुंच रहा है, राइट। सो जो मेन सोर्स ऑफ नॉइस है वो हमारा चैनल ही है। चैनल किस तरह का हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें नॉइस इंट्रोड्यूस होगी। सो नॉर्मली हम एज्यूम कर लेते हैं कि थ्रू आउट द चैनल नॉइस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस टाइप की नॉइस को बोलते हैं हम व्हाइट नॉइस, जो इक्वली थ्रू आउट द चैनल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट। नाउ अब हमें ये नॉइस का इफेक्ट कहां पता चलेगा हमको, रिसीवर पर। रिसीवर में जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के हम इनपुट एंड आउटपुट पर पूरा जो नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक पैरामीटर लिया है नॉइस कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड अ फिगर ऑफ मेरिट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा, एंड दिस गामा इज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिवाइडेड बाय द इनपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो, कहां पर, डिटेक्टर पर, राइट। सो आउटपुट सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय एस नॉट अपॉन एन नॉट। S stands for signal and N stands for noise. Output है इसलिए हमने subscript O लिया है, right? Denominator में क्या है, input. Input के लिए हमने subscript I use किया है। ये ratio इसी से ही हम check करते हैं हमारा जो communication system है उसका performance कैसा होगा, क्योंकि ये ratio से ही पता चलता है। देखिए इसमें देख रहे हैं आप, अगर हम सिर्फ denominator वाली term में ले तो इसमें भी numerator में क्या, sorry numerator वाला term ले रहे हैं तो numerator में भी S नॉट ऊपर है, मीन्स सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइस है। तो ये सिग्नल इतना पार्ट बेटर कब कहलाएगा, जब इसका रेशियो ये हाई होगा, है ना, हमें सिग्नल ज्यादा चाहिए नॉइस कम चाहिए। ये सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी देखिए, एस आई शुड बी ग्रेटर देन एन आई फॉर बेटर परफॉर्मेंस, राइट। सो ओवरऑल ये रेशियो कब हाई होगा, जब इनपुट आउटपुट दोनों पर ही सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉइस, ओके। ये हमें चेक करना है कि कहां पर ज्यादा होगी कहां पर कम मिल रही है हमको, राइट। सो इट इज क्लियर दैट गामा शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। नाउ यहां हमने अज्यूम कर लिया कि जो नॉइस है इट इज वाइट इन नेचर,
ओके सो जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन, इसके लिए हमने स्टार्ट किया है थोड़ा सा, यहां से देख सकते हैं नॉइस पावर डेंसिटी स्पेक्ट्रम है, मतलब जो नॉइस है हमारा उसका पावर लेवल कितना है, वो पावर डेंसिटी हमने स्पेक्ट्रम अगर ड्रॉ करें तो उसकी स्ट्रेंथ मिलती है ईटा बाय टू, इसको एज अ फॉर्मूला आपको याद कर लेना है. दिस इज द नॉइस पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी एंड एस एन आई से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू ईटा बाय टू. नॉइस पावर कितना होगा, ये पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी था, ये नॉइस पावर है. नॉइस पावर कितना होगा, क्योंकि पूरा जो बैंडविथ है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी इंटू बैंडविथ. राइट, बैंडविथ हमने क्यों लिया समझ में आया ना, क्योंकि पूरी बैंडविथ में जितना भी बैंड है हमारा चैनल का, उस पूरे बैंड में या इन्फॉर्मेशन सिग्नल का जितना बैंड है उस पूरे में थ्रू आउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हमें टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे हर एक इंस्टेंट पर, तो इंटू बैंडविथ कर दिया हमने, तो ईटा बाय टू इंटू बैंडविथ. बैंडविथ अपने सैम्पलिंग थ्योरम से देखा, हम नॉर्मली क्या लेते हैं ट्वाइस ऑफ एफ एम, तो ईटा बाय टू इंटू ट्वाइस ऑफ एफ एम किया तो हमको मिला ईटा एफ एम. दिस इज एन आई नॉइस पावर इनपुट, कहां पर, डिटेक्टर में. राइट, ये हमको कैलकुलेट करना है, डिटेक्टर है रिसीवर पर, इसके इनपुट पे हुआ एस आई अपॉन एन आई, आउटपुट में हुआ एस नॉट अपॉन एन नॉट, ये चार टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है. ये कैलकुलेशन हम दो बार करेंगे, फर्स्ट वन डीएसबीएससी सिग्नल के लिए, सेकेंड वन एसएसबीएससी सिग्नल के लिए. ओके सो आज का लेक्चर यहीं पर, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे नॉइस कैलकुलेशन इन डीएसबीएससी सिस्टम.